आज मैं जा रहा हूँ, अभी एक थोड़ा सा बोर हो रहा था मेरे बैठे बैठे ऑफिस से, वो जा रहा कुछ काम था नहीं एक्चुअली, आज एक ही काम था थोड़ा, मुझे बग फिक्सिंग बग मैंने फिक्स कर दिए सारे, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा घूमने। घूमने के उस KFC जाऊँगा, KFC जाके थोड़ा अपनी जगह जाऊँगा, एक जगह जाता हूँ मैं पढ़ने वढ़ने घूमने अपने, वहाँ बैठूँगा आराम से KFC खाऊँगा, फिर थोड़ा सा देखते हैं थोड़ा वीकेंड की थोड़ा ऐसे। एक्चुअली मेरा मन था थोड़ा दूर जाने का, बट मम्मी बोली कि त्यौहार है तो नहीं जा पाया मैं, कोई बात नहीं आसपास ही चल लेते हैं, फिर ज़्यादा दूर ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया भाई, 105 का है पेट्रोल और 35 का एवरेज है, कहीं भी जाऊँगा तो मिनिमम 1000 रुपये तो पी जाएगी। गाड़ी अच्छी है एक्सपल्स, अगर कोई BS6 वाला वेरियंट ले रहा है तो ले सकता है, लाइक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए या फिर ना नॉर्मल जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं थोड़ा बहुत खर्च कर रहा है, पापा ले सकते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी गाड़ी है, एवरेज भी ठीक है, पावर भी ज़्यादा कम भी नहीं है ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैमरा बंद करूँगा क्योंकि मॉल में ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, गाड़ी में भारी लगा दूंगा आज। गाड़ी यहीं लगाता हूँ, भीड़ बहुत होगी आज। हाँ सेटअप हो गया, अब चलते हैं दोना साइड। आज पहला गियर से डाली गाड़ी, अब भगाना शुरू। सेटअप मैंने बिल्कुल मस्त कंप्लीट करा है अपना, एक लैपटॉप एक गाड़ी और एक ना क्या बोलते हैं कैमरा, कैमरा ही मैंने मतलब ओज़ो का एक्शन था जो फर्स्ट आया था, अभी तो सेकंड लॉन्च हो गया, मैंने आज ही देखा एप्लीकेशन के अंदर। एक्शन कैम 1 मैन लिया था ओज़ो का, अराउंड 18999 का पड़ा था मुझे, अच्छा है। फन सिटी ये है पीछे, यहाँ रहेगा ये जो, अब आगे से हम जाएंगे स्ट्रेट पीलीभीत, छतरी चौराहे वहाँ बहुत फेमस है, हमारे दोस्त वहाँ रहते हैं छतरी चौराहे पे, बहुत कहानी सुनाया था छतरी चौराहे की हमको। और भैया ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं मिलेगा इस रोड पे, ट्रैफिक वाला मेरे घर पे होता है, कतई अयुब का हो गया वो। शाम के बज रहे हैं 3:40, मौसम बड़ा मस्त हो जाए बस थोड़ा सा घूमने, अंकल मारेंगे लग रहा है। और हम आ गए बरेली के आउटर पे, यहाँ थोड़ा आगे जाके बरेली ख़त्म ही माना जाता है मेरे हिसाब से, मैं तो मानता हूँ लोग मारे ना मारे। माइक टेस्टिंग 1 2 3, अच्छी रिकॉर्ड तो साला आवाज़ तो सही जा रही है यार, पता ही चलता मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भी नहीं कर रहा हूँ साला। मैंने अभी थोड़ा जब मैंने स्टार्ट किया था अपने घर से निकलना, मैंने माइक लगाना भूल गया पहले तो, फिर अभी जब मॉल से निकला तो साला कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया, कोई नहीं होता रहता है। और हम आ गए हैं एयरपोर्ट पर, बरेली का एयरपोर्ट जो कि यहाँ है। ये रहा एयरपोर्ट, बिक्स बी मौसम हो रहा है केड़ा।
एक कॉलेज में कुछ तो हो रहा है भाई, ज्योति कॉलेज। आज तो कुछ काम ही नहीं था, मेरे को दो बग और एक माइनर सा चेंज था, करा और उड़न छू। लैपटॉप लेके घूम रहा हूँ, कुछ हो गया तो कहीं बैठ के कर लूँगा, ऐसे कुछ काम अभी आया नहीं है, आएगा भी नहीं आज तक, उम्मीद तो पूरी यही है। वॉलेट लाना हम भूल गए, बताओ डीएल भी नहीं है। और अब हम आ चुके हैं विलय धाम। विलय जाने को तैयार, यहाँ से घर जाऊंगा मैं, आराम करूंगा, देखता हूँ वीडियो क्वालिटी कैसे आई है, एडिट करूंगा, सही आनी चाहिए वैसे, 4K 60 FPS में रिकॉर्ड किया है। चलो घर चले। अब नाश्ता वाश्ता सब डन, आराम वाम कर लिया। टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है 3:35 और बैटरी 23% है कैमरे की, तो घर तक नहीं पहुंच पाएगी बैटरी। मेरा मन तो बहुत था नाला मतलब आने का, और होके मैं आ जाता आराम से, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में, 3 घंटे आराम करता मैं, 5 घंटे में पूरी ट्रिप हो जाती। तो अभी जो सामने देखते हैं, ओ डेढ़ सौ किलोमीटर चल गई है टंकी फुल से, अभी मतलब 250 किलोमीटर और चलेगी फिर हो जाएगी टंकी खाली। अरे कुत्ता पेल दिया भाई किसी ने यहाँ पर, हाय 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 हाय, हद हो गई यार, देख नहीं जाता था कोई, ये साले एस आर एम एस वाले ठोका होगा, बड़े अच्छे चलाते हैं लोग। बस यार मैं वीडियो को तो यहीं ख़त्म करता हूँ, देखता हूँ कैसे रिकॉर्डिंग आई है, अगर किसी को कुछ अजीब लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है तो कमेंट में डाल देना, मैं कुछ नहीं करूँगा उसके लिए। बस सर एम एस वाले घर जा रहे हैं भाई, कॉलेज लाइफ जाते घटिया लाइफ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना कॉलेज लाइफ ना स्कूल लाइफ, तो मस्त सेट चल रहा है, अपने मर्जी के मालिक, जो करना करो नहीं करना मत करो, कॉलेज में साला आइए असाइनमेंट करो वो करो, कल फैकल्टी ने बोला कल अटेंडेंस कंपलसरी है, जाते हो वहाँ को घंटा कोई नहीं होता तुमको छोड़ के, एक यहाँ ही बहुत एक्सीडेंट होते हैं भाई, और यहाँ साला इसी साल पड़ा था ये रोड, और इसी साल ही खराब हो गया। वाह बेटा वाह, बोला तो मैं कुछ और चाहता हूँ बट मैं बोल नहीं सकता।
पिताजी शायद छुट्टी आए दिवाली पे, कंफर्म उनका भी नहीं है। आ भी सकते हैं नहीं भी है। देखो 008 का ऑप्शनल मॉडल जा रहा था, हमने भी 2 वीक हो गए गाड़ी निकाली नहीं अभी तक बाहर। यही कलर है हमारे पास भी, बट क्रोम किट नहीं है। निकालो तो ऐसा जहाँ भी जाओ ना भाई, वहाँ पर पार्किंग पहले ढूंढनी पड़ती है। बाइक में क्या है, लगा रोड के किनारे टो करके ले जाता नहीं है। कार में स्क्रैचेस तो लगे जाते हैं, कहीं भी गाड़ी कुंडे में लगाओगे ना तो सेफ नहीं लगता मुझको। और बाइक को क्या है, घुसेड़ो कहीं भी, थोड़ी जगह दिखे निकाल लो। कार में ऐसा नहीं होता यार, कार में तो लफड़े लफड़े हैं। अरे साहब यहाँ तो बाइक भी निकल के आ जा रहा है। लग गया ट्रैफिक, बताओ यार। बड़ी चीज है शहर में ट्रैफिक लगेगा क्या, बुरे दिन आ गए भाई। ये ट्रैफिक लग रहा है, ट्रैफिक लग रहा है भाई। पहले यहाँ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होता यार, कभी ट्रैफिक नहीं लगा है यहाँ तो कभी भी। मतलब तो बचपन से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। जब से ट्रैफिक लाइट आई है ट्रैफिक भी आ गया है। पता नहीं कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं लोग, टाइम बराबर तो हो भी जाता था। ऑटोमेशन मामा, ऑटोमेशन।